once again welcomes you all to our official YouTube channel of Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Ek Baar Phir Aap Sabhi Ka Swagat Hai. In the last video, we had studied about the British expansion in India. तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि ब्रिटिश एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्सटेंशिंग देयर पावर इंटायर ऑन द कंट्री, पूरे देश में किस तरह से शासन व्यवस्था को बढ़ाया और ट्रेड के बहाने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने भारत जो व्यक्ति आया था, जो संसाधन लेकर आई थी ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटिश ने अपने कंपनी के साथ एक ट्रूप बनाया, कंपनी को आगे बढ़ाया और फिर पूरे देश पर शासन किया. सब हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कंपनी का एक इम्पैक्ट पूरे इंडिया पर पड़ती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं. तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर हिस्ट्री में चैप्टर 2 इज गिवन हियर एंड टुडेज टॉपिक इज द ब्रिटिश इन बंगाल, द ब्रिटिश इन बंगाल. एनीवेज हम लोग आज ब्रिटिश इन बंगाल के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ब्रिटिश आए तो बंगाल में ही है बेटा. बंगाल के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में वो जाते हैं, फिर अलग अलग हिस्सों पर अपना शासन करते हैं और शासन कंटिन्यूअसली करते चले जाते. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे. तो माय डियर स्टूडेंट, 17th सेंचुरी में, हालांकि 1600 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी 1600 में. दिख रहा होगा क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. 1600 में मैं एक कहानी तौर पर आपको बता देता हूं. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद वो कलकत्ता में अपना सारी ट्रूप्स तैयार करता है, ट्रेडिंग करना शुरू करता है. लेकिन उस वक्त जो राजा है, राजा ए, तो उनसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए सामान लाएंगे या फिर ले जाएंगे, उसके बदले में उनको कुछ पैसे पे करने पड़ते थे, टैक्स पे करने पड़ते थे, जिस टैक्स का नाम होता था कस्टम ड्यूटी. जिस टैक्स का नाम होता था कस्टम ड्यूटी. तो सर कस्टम ड्यूटी उस राजा या महाराजा के जिस प्रोविंसेस में आता था उस प्रोविंसेस के राजा को पे करना पड़ता था. लेकिन क्या हुआ कि अर्ली 17th सेंचुरी में इट वॉज मेयरली अ ट्रेडिंग बॉडी. मैंने पहले ही कहा कि शुरुआत में वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी था, मतलब व्यापार करने का एक व्यापार ही था वो. और आफ्टर प्रिविलेज ऑफ मुगल दे बिकेम द रिचेस्ट प्रोविंसेस. ओके, मुगल को रिक्वेस्ट भेजा, उनसे विनती की कि हमको यहाँ व्यापार करने दीजिए, अपने व्यापार के सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे एस्टेब्लिश करने दीजिए. तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद मुगल ने इसको स्वीकार किया. लेकिन मुगल के स्वीकार के बाद मुगल धीरे धीरे, कुछ एक वक्त आया जब औरंगजेब राजा हुआ करते थे. मैंने यहाँ लिखा भी है औरंगजेब वॉज द किंग ऑफ मुगल, बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द रेनेसिटी बिकेम वेरी वीक. क्या हुआ कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद बेटा उसकी पावर जो थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी, वो पूरी तरह कमजोर पड़ गई, शिथिल पड़ गया. पावर जो थी शिथिल पड़ गई. इस केसेस में 1717 आते आते, मतलब 1717 ईस्वी आते आते का हालात ऐसे हो गए, इतनी खराब हो गई कि अब वो किसी भी ट्रेड के लिए कोई पैसा नहीं चुकाता था. अब ट्रेड के लिए कोई पैसा नहीं चुकाता था, मतलब पहले यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था तो कस्टम ड्यूटी लगता था. कस्टम ड्यूटी तो अभी भी लगना चाहिए, लेकिन कस्टम ड्यूटी अब ये पे नहीं करता था. वो ट्रेडिंग भी करता था, व्यापार भी करता था. हालांकि उस वक्त ऑल्दो द रिमेनिंग ट्रेडिंग कंपनीज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता,
लाइक डच, फ्रेंच, वो लोग भी थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रिविलेज इनको मिली और अपने प्रिविलेज का ये गलत फायदा उठाया उन्होंने। क्या हुआ कि जब वो टैक्स पे करना बंद कर दिया तो वहां के उस वक्त राजा हुआ करते थे, अगर बात करें तो नवाब ऑफ बंगाल जो थे, तो नवाब ऑफ बंगाल उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, मीन्स विवाद हो गई, मतलब आपस में ही ये लोग झगड़ने लग गए, उनको का प्रेशर डाला जाने लगा ब्रिटिश को कि भाई अगर आप यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, इफ यू आर वांटिंग टू ट्रेडिंग ओवर हियर देन यू मस्ट हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, अगर आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ ट्रेड करने का कोई राइट आपको नहीं है। लेकिन उस वक्त तक तो मुगल थे था, तो मुगल के वक्त तो वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी कुछ अच्छी भी थी, लेकिन बाद में जाकर जैसे ही मुगल का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, मुगल जैसे ही बिखरना शुरू कर देता है, मतलब उसकी साम्राज्य का धीरे धीरे अंत की ओर जाना शुरू होता है, तो बंगाल भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है। कोई चूंकि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे राजपूत किंग्स सब होते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर इधर वेस्ट इंडिया की बात करें तो राजपूत किंगडम सब थे, लेकिन उधर अगर बंगाल की बात करें ईस्ट इंडिया अगर पर अंग्रेज आए और अंग्रेज ही अपना शासन करना आरंभ कर दिया उन लोगों की मदद से, मतलब वहां के प्रबंधक के जो राजा थे और उनके मदद से, एनीवेज एक कंफ्लिक्शन तैयार हुआ, मतलब विवाद उत्पन्न हो गया किनके बीच में, तो बंगाल के जो नवाब थे उनके और ब्रिटिश के बीच में। तो विवाद का कारण क्या था, तो द कॉजेज ऑफ द कंफ्लिक्शन वाज पेइंग द कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी ब्रिटिश पे नहीं करना चाह रहा था। अच्छा सर, उस वक्त जो राजाओं का एक सिलसिला था, हमने कुछ लिखा है, जैसे मुर्शी कुली खान एक राजा हुआ करता था, कुली है बेटा, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन अलीवर्दी खान, कौन बोला बेटा, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान। लेकिन उस वक्त तक ये राजा आते आते बहुत कमजोर पड़ गया था, बंगाल काफी कमजोर दौर में चला गया था, और इस कमजोर दौर में जाते जाते राजा ने इसके साथ कुछ संधि की, मतलब अलायंस भी किसके बीच, ब्रिटिश पावर और इनके बीच जो प्रोविंसेस थे उनके बीच अलायंस भी। लेकिन उस अलायंस में क्या क्या अलायंस वगैरह थे, अलायंस जो था वो काफी इंपॉर्टेंट अलायंस था, हालांकि ब्रिटिश के खिलाफ था, लेकिन ब्रिटिश ने इसको प्राइवेट कंपनी नहीं बना करके उसको अपनी ओन संपत्ति बना करके वहां जो इन्होंने ट्रूप स्टैब्लिश किया था, ट्रूप मतलब होता है सेनाओं की टुकड़ी उन्होंने स्टैब्लिश किया था, वो सेनाओं की टुकड़ी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका उससे आक्रमण करके अगल आसपास के राजाओं को हमेशा वो दबाकर रखने की कोशिश करता था। प्राइवेट ट्रेड सेल पे कस्टम ड्यूटी, जितने भी प्राइवेट ट्रेड्स हैं, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया की थी, फ्रेंच की थी, डच की थी, पोर्टुगीज की थी, तो ये सब जितने हैं इन सबको कस्टम ड्यूटी पे करना, कस्टम ड्यूटी पे करना मतलब यदि सामान बाहर से कुछ आती है तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा, सामान यहाँ से कहीं और जाती है तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी भी बेटा हमारे देश में कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है, यदि किसी दूसरे देश से कोई सामान भारत में इन कर रहा है या कोई सामान आप भारत से किसी दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी वहां लगता है, नेपाल बॉर्डर पर चले जाइए, पाकिस्तान बॉर्डर पर चले जाइए, श्रीलंका की तरफ चले जाइए, श्रीलंका भारत के बॉर्डर का नाम है पाक स्ट्रेट, हमने वीडियो में चर्चा किया है मैप वाले वीडियो में। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको पे करना पड़ेगा टैक्स, ओके। और दूसरी बात ये थी, यदि आप कंपनी का विस्तार करते हैं, मतलब यदि आप पे नहीं करते हैं तो सॉरी, कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट फोर्टिफिकेशन, हाँ बिना आदेश के आप कंपनी के किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं कर सकते, राजाओं के अधीन होना चाहिए, राजा को इन्फॉर्म होना चाहिए, राजा को सारी बातें पता होनी चाहिए, यदि आप अपनी कंपनी को एक्सटेंड करते हैं, फोर्टिफाइड कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं,
तो ये इलाज नहीं था, लेकिन ब्रिटिश ने तो इसका सिर्फ उल्टा किया। क्या होता है कि एक वक्त 1756 आते आते 1717 में देख लीजिए, एक वक्त जब ये कस्टम ड्यूटी देने से इनकार कर देता है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, लेकिन जब प्रेशर में आ जाता है ब्रिटिश तो हालांकि अलायंस तो कर ही लेता है, लेकिन अलायंस के बाद ये कंटिन्यूसली उस पर चलता नहीं है, ये अपनी पावर का गलत प्रयोग करता है। और 1756 में उस वक्त सिराजुद्दौला हुआ करते थे, गंगोल में नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के साथ फिर इनका कन्फ्लिक्शन हुआ। अब सिराजुद्दौला के साथ जब कन्फ्लिक्शन हुआ तो सिराजुद्दौला के बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनकी एक अलग छवि है हमारी हिस्ट्री में, बहुत मतलब लड़ाई युद्ध करने में एक वीर योद्धा रहे हैं सिराजुद्दौला। कन्फ्लिक्स के बाद युद्ध होता है, युद्ध के बाद इनको बंदी बना लिया जाता, मतलब इनके जितनी भी रीजन थी, जो भी प्रोविंसेस था, जो भी क्षेत्र था, दीज ऑल वेयर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, दोज ऑल वेयर कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश। अब उस पर रूल करना शुरू कर जाता है, जैसे ही बंगाल पर इन्होंने कहा, सिराजुद्दौला ने कहा कि तुम गोड़िया बिस्तर समेटो और यहाँ से जाओ, या तो कस्टम ड्यूटी पे करो या नहीं तो यू विल गो बैक एट योर होम विथ बैग एंड बैगेज, गोड़िया बिस्तर समेत यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये उनकी बातों कहने से नहीं, कहने पर नहीं गया, उन्होंने कहा कलकत्ता से सब हटाओ, यहाँ ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं चलेगी तुम लोग। लेकिन ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया, उसके साथ युद्ध किया, युद्ध के बाद ठीक हुई। फिर एक पोर्शन पर युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, पूरे इंडिया में आया, लेकिन कैसे आया हम लोग अगले टॉपिक में जानेंगे बेटा, आगे भी बात करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, किया फिर ब्रिटिश का विस्तार उस वक्त से 1756 से कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना शासन किया, तो ये सब सारी बातें होगी अगले वीडियो में। तब तक आप इन सारे का स्क्रीन शॉट लेकर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट की कर सकते हैं, मैं आपको वहां आंसर दूंगा। हमारे ब्रॉडकास्ट में भी आप जुड़े हुए हैं, वहां भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहां आपका आंसर दूंगा। और हाँ, स्कूल के ऐप को यदि आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो उसको प्ले स्टोर पर जाए, या आपको मैसेज में लिंक भी दिया होगा स्कूल की ओर से, उसको आपका डाउनलोड कर लें। और कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन वहां मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए।